तो जी अगर हम ये इस तरह से हाइलाइटर लगाएंगे ना आप और अगर हम इस तरह से हाइलाइटर लगाएंगे तो आपका हाइलाइटर बहुत ज्यादा देर तक ग्लो करेगा स्टे करेगा और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हो जाएगा इवन दो कि आपके पास अगर बहुत लोकल हाइलाइटर भी है तो आप इसको इस तरह से पिगमेंटेड कर सकते हैं इस हैक हाँ के साथ तो जी दिस हैक इज़ सुपर डुपर है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू रिव्यू रेवोल्यूशन उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे आज की वीडियो इज नॉट रिव्यू वीडियो आज मैं एक हैक के साथ आई हूँ जो मैंने डिस्कवर किया सो आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल अच्छा जी तो दिस हैक इज़ ऑल अबाउट द हाईलाइटर्स आपने देखा होगा कि एवरी पीपल एवरी पर्सन हैज़ अ कम्प्लेन कि जी हम पार्लर से मेकअप कराते हैं तो बहुत अच्छा हाईलाइटर लगता है हम घर पर लगाते हैं तो वो अच्छा स्टार्ट में तो लगता है लेकिन बाद में फेड आउट हो जाता है या स्टार्ट में इतना ग्लो नहीं आता जो पार्लर वाला ग्लो आता है सो आई एम हेयर विदल्यूशन कि आज मैं आपको ऐसा हैक बताऊंगी जिसको यूज करने से आपका हाईलाइटर बहुत ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका हाईलाइटर में बिल्कुल पालर वाला ब्लो आएगा सो लेट स्टार्ट दीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि आपको और ढेर सारी वीडियोज मिलती रहें तो चाहे जी अब हम स्टार्ट करते हैं ये एक बहुत ही कोई ऑर्डनरी है किसी ब्रांड का नहीं है और ब्रांडेड जो होते हैं महंगे भी होते हैं और उनका पिगमेंट काफी अच्छा होता है तो ये दोनों जो हैं वो लोकल हुए हैं तो अब बहुत से लोगों की पहुंच में नहीं होते ब्रांडेड हाइलाइटर्स ठीक है तो उसके लिए वो ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये एक सिल्वर में है हाइलाइटर ठीक है अगर मैं इसका जो है वो पिगमेंट देखूँ तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है लेकिन जब मैं इसको लगाऊंगी अपने यहां पे तो ये देख लें कि इतना ज्यादा जो है वो हाईलाइटेड -लाइ नहीं है इतना ग्लो नहीं है ठीक है सेम जो है वो चीज़ इसमें क्या हम करेंगे कि हम यहाँ पे आ, ये वाला हाइलाइटर ले, ले लेंगे ये ब्रॉन्स कलर में है गोल्डनिश सा टोन है इसकी और इसको अगर हम यहाँ लगाएं तो ये सेम देख लें कि ये इसका इतना ग्लो नहीं आ रहा और ये इस तरह का अगर आप पाउडर हाइलाइटर इसी तरह खाली लगाएंगे तो ये आपका जो है वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाएगा तो नाउ आई एम हेयर विद द सोल्यूशन इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इस तरह का एक ब्रश ले लेना है ये ब्रश नहीं है कोई भी ब्रश ले लें ठीक है और उसको आपने क्या करना है ये एक ब्रश ले लेना है साथ एक ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ले लेना है ठीक है यहां मैं यूज कर रही हूँ रिवाज यूके का मेकअप फिक्सर ठीक है इसको आपने ओपन करना है एंड यू आर हेयर विद द सोल्यूशन आपने ब्रश के ऊपर जो है वो थ्री से फोर दफा इसको स्प्रे कर लेना है जिस साइड पर स्प्रे करेंगे उस साइड से आपने हाईलाइटर को लेना है ब्रश के ऊपर एंड देन अप्लाई ऑन द हैंड तो जी देखें जी कि ये कितना अच्छा ग्लो आया है ठीक है और ये ये इतना अच्छा ग्लो है अब ये वाला देख लें इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है और इससे होगा क्या कि अभी अगर आपको ये ये वाला आपको इतनी नेचुरल लुक देगा अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट चाहिए देन यू डू दिस थिंग अगैन ठीक है आपने दोबारा से किया और दोबारा से करके आपने इसी के ऊपर लगा लिया ये देख लीजिए इतना खूबसूरत हाईलाइटेड सा जो है वो लुक आ रही है इसी तरह से सलों के अंदर बड़े बड़े पार्लर्स के अंदर जो है वो यूज किया जाता है हाईलाइटर को इससे होगा क्या कि जब आप आ, आफ्टर सिक्स टू यू अप्लाई करके देखा है ये आफ्टर सिक्स टू सेवन आवर्स तक आपका हाईलाइटर खराब नहीं होगा हाईलाइटर की लुक खत्म नहीं होगी ठीक है यही लुक अगर हम दोबारा करके देख लेते हैं इस वाले हाईलाइटर के ऊपर जो दूसरी लुक थी हमने मेकअप फिक्सर लिया तीन से चार दफा मेकअप फिक्सर स्प्रे किया उससे हमने ये लिया देन। कितने क्लियर रिजल्ट ठीक है और इस तरह से अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करेंगे इन दोनों का फर्क देख लें ये बगैर मेकअप फिक्सर के थे और इन दोनों का फर्क देख लें ये मेकअप फिक्सर के साथ थे ठीक है अब इनको अप्लाई करने से होगा क्या कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपका हाइलाइटर रहेगा आपको जो है वो ज़्यादा पैसे खर्चने की अगर आप इस्तात नहीं रखते हैं यू डोंट वॉन्ट स्पेंड ऑन वेरी ज्यादा प्राइस वाले हाईलाइटर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स तो आप इसे ले सकते हैं ये वाला हैक यूज कर सकते हैं ठीक है जस्ट यू नीड फेस ब्रश एंड आ मेकअप फिक्सर नाव आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर uh, आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो आप क्या करेंगे अच्छा जी तो इसका सोलूशन भी हमारे पास मौजूद है अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है और आप नहीं खरीद भी नहीं सकते तो जी इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास मुझसे लोग आ, पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो हम क्या करें तो आपको वाटर लेना है ठीक है आपको अपना ब्रश को इसमें से जो है वो डिप करना है एक्सेस वाटर को जो है वो वाइप ऑफ कर लेंगे एंड देन आई विल अप्लाई दिस वन ठीक है और उसके बाद आप कहाँ अप्लाई करूँ यहां पर कर रही हूँ देख लीजिए सेम रिजल्ट आए ठीक है ये वाला और ये वाला सेम रिजल्ट्स आए तो आप लोग जो है वो कोई सा भी यूज कर सकते हैं मैं अपने पर्सनल यूज में जो तो यूज करती हूँ हाईलाइटर हाथ अगर बेशक ब्रांडेड भी हो या कुछ भी हो ये देख लीजिए आप ठीक हो गया तो अगर कुछ भी हो तो मैं जो है वो यही यूज करती हूँ मेकअप फिक्सर वाला हैक आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो आप अपना वाटर के साथ भी कर सकते हैं तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट सा हैक वेरी स्मॉल वीडियो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है डो अप्लाई दिस हैक और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ ये वर्क किया कि नहीं किया डो अप्लाई दिस हैक डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रिव्यू किसी नए हैक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़